जहां एक ओर प्रदेश सरकार किसानों की चिंता को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की मंदसौर मंडी में किसान के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां मंडी कर्मचारी के द्वारा एक किसान के साथ मारपीट की गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे आदर्श मंडी के नाम से मशहूर मंदसौर कृषि उपज मंडी में चौकीदार के द्वारा अभद्रता का मामला सामने आया है, जहाँ कृषि उपज मंडी के गेट पर स्थित चौकीदार ने उज्जैन जिले के किसान के साथ मारपीट की है। गेट खुला, गेट खुलने के बाद तीसरी बार बंद हो गया, तो दीपक घनावत वहाँ किसी पिकअप वाले से माथापोड़ी कर रहा था, तो मैंने उससे जाके पूछ लिया, भैया गेट अब खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या विपिन सर है क्या, मैं उनसे पूछ लूँ तो क्या बात करेगा, तो विपिन सर से चल मैं तेरे से बात करता हूँ करके मेरी कॉलर पकड़ के रास्ते में दो चांटे मारे उसने मुझे, और यहाँ मंडी गेट के कमरे के अंदर ला के एक किशोर चौकीदार है उसने और दीपक घनावत ने पाँच पाँच सात सात रेपट मारी है सर, वो मंडी इस मंडी में से निलंबित हो घर बैठे, ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमें, और उसके खिलाफ कार्रवाई, और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो। इस पूरे मामले को लेकर नाराज किसानों ने जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मंडी गेट पर धरना देकर जाम लगा दिया और नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्याप्त किया है, जहां एसडीएम शिवलाल चाकेवाल मंडी सचिव को लेकर किसानों के बीच पहुंचे और चौकीदार पर कार्यवाही करते हुए उसे मंडी गेट से तुरंत हटा दिया गया है। फुटेजी भी अपन चेक कर लेंगे जी, और अभी रिसेंटली मामले को शांत करने के हिसाब से उसको वहाँ से हटा भी दिया है, अभी वहाँ लगाएंगे नहीं, वो पूरा स्टाफ आकर चेंज करेंगे, वो कर दिया है, कैमरे भी लगे फुटेज में, जो भी सिस्टम जो भी चीज़ें होंगी उसको आप भी देख लीजिए, उसमें अगर दोषी होगा तो छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। बहुत थैंक यू। देखो मंदसौर मंडी के अंदर आज बीती रात में कुछ किसानों के साथ में मंडी गेट पे मंडी कर्मचारियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। किसानों का जैसे ही मेरे पास फोन आया तो हम तत्काल मौके पर उपस्थित हुए और किसानों ने सारा मामला हमारे संज्ञान में लाए, हमने यहाँ के मंडी प्रशासन और एडीएम साहब को अवगत कराया और तत्काल मौके से उन कर्मचारियों को बर्खास्त कराने की कार्रवाई कराई जिन्होंने हमारे किसानों के साथ में मारपीट करी थी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में जब जब भी कहीं पर भी अत्याचार या अन्याय होगा किसान कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है, एक फोन लगाना पूरी किसान कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के समस्त संगठन हमारे किसानों के साथ में खड़े रहेंगे और उनके साथ में कहीं पर भी अन्याय नहीं होने देंगे और हम उस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम किसानों को न्याय नहीं दिलवा देते। देखिए कृषि उपज मंडी में सूचना मिली कि हमारे भाई राजेश धाकड़ जो किसान हैं अपनी उपज को लेकर के आए थे, ये आवागमन को लेकर के संबंधित अधिकारी से चर्चा करना चाह रहे थे, तो कोई कर्मचारी है दीपक घनावत जिसने इनके साथ मारपीट करी, उसके बाद इनको इनके यहाँ मंडी कमरे में लाया गया जैसा ये बता रहे हैं, इनको वहाँ ला करके इनके साथ मारपीट करी गई है। तो मेरा कहना है इस मध्य प्रदेश शासन से, साथ ही यहाँ के कलेक्टर महोदय से और जिला प्रशासन से जो यहाँ पर नियंत्रण कर रहे हैं, कि आए दिन किसानों से अत्याचार हो रहा है, पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं, अंदर नीलामी के नाम पर तोड़ा जा रहा है किसानों, तोड़ा जा रहा है, सही है। हर जगह इनके साथ जहां लूट हो सकती है किसान, मतलब किसानों को समझ लिया कि जितना लूट सके वो लूट, और अभी हालत ये है कि अंदर आप जाइए, मेरा कहना है मीडिया के कर्मी भी जाकर देखेंगे तो उनको लग जाएगा कितनी अव्यवस्थाएं फैली है, चार चार पाँच पाँच दिन से नीलामियाँ नहीं हो रही है और ऐसी परिस्थिति में इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वैसे ही तो मौसम की मार से मरा हुआ है किसान, वैसे ही महंगाई की मार से मरा हुआ है, नीलामी में रेट कम दिए जा रहे हैं और इस अवस्था में इनके साथ मारपीट की जाए ये घोर निंदनीय है। मुझे पता लगा कि एसडीएम साहब ने शायद उसको निलंबित किया है, लेकिन यदि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकी तो हम मंडी बंद करेंगे, जाम नहीं करेंगे, मंडी बंद करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में किसान जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करने के बाद शांत हुए और आगे ऐसा करने पर मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए मंदसौर कृषि उपज मंडी को बंद करने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, मंदसौर।